हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1-4 को सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और आपको एसएसटी की वीडियोस भी देखनी हो तो भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 2/3 और 4/5 के बीच के। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आपको नंबर्स दे रखे हैं 2/3 एंड 4/5। मैंने आपसे कहा था कि आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं फर्स्ट स्टेप में, तो चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए। और इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 3 1 3, 5 एज इट इज, देन 5 1 5, इट मीन्स 3 × 5 15। एलसीएम कितना आया, 15। तो आपको डिनोमिनेटर में इधर कितना करना है, 15 करना है। तो 15 कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 आ जाए 5 टाइम्स। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 10 इधर आते हैं। इधर नंबर क्या है, 4/5। अगेन आपको डिनोमिनेटर में कितना करना है, 15। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 4 × 3 = 12। अब हमने नंबर्स देखे कि 10/15 और 12/15 के बीच में तो बस एक ही नंबर आ रहा है 11/15, तो हमें तो कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो हम और आगे बढ़ते हैं, 10/15 एंड 12/15। मैंने आपको बताया आपको डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिनोमिनेटर कर लेती हूँ, अगर आप 15 के टेबल पढ़ेंगे तो 15 × 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। तो मैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आपका मन है आप कितने भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 × 4 = 60, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 4 से ही करूंगी, 4 × 10 = 40। अगर हम इधर भी देखें तो अगेन 15 × 4 = 60, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या करने हैं, दोनों सेम। और जहां हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई करा है तो हम ऊपर भी सेम नंबर से करेंगे, 12 × 4 = 48। कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें, 5। अब 40 से 48 के बीच के नंबर्स लिख देते हैं, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स निकल आए। नेक्स्ट आपको दे रखा है -3/2 एंड 5/3, इसके बीच के रेशनल नंबर्स। तो -3/2 एंड 5/3, अगेन फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ओके। तो इधर डिनोमिनेटर में 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और जहां डिनोमिनेटर में करा है वही सेम नंबर न्यूमिनेटर से, इट मीन्स 3 × 3 = 9 माइनस का। इधर भी डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 6, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया था, 6। तो 6 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको करना है 2 से, सेम नंबर से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 5 × 2 = 10, और ये 10/6। अब -9/6 से 10/6 में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लाइक -8/6, -7/6, -5/6 से लेकर के आप 9/6 पॉजिटिव के नंबर भी लिख सकते हैं। आपको कितने नंबर लिखने हैं, ओनली 5, ओके। लास्ट पार्ट आपको दे रखा है 1/4 एंड 1/2, तो 1/4 एंड 1/2, अगेन 4 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 × 4, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2, इट मीन्स एलसीएम कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर तो 4 है ही डिनोमिनेटर में, इधर 4 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर भी 2 से ही करूंगी, इट मीन्स ये हो जाएगा 2/4। तो 1/4 और 2/4 के नंबर के बीच में तो कुछ हमें मिला नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इधर दे रखा है हमें 1/4 और इधर दे रखा है हमें 2/4, अगेन हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आपका मन है आप किसी भी नंबर से ट्राई कर लीजिएगा, बस आपको मिनिमम, आपको मिनिमम क्या, आपको इसमें 5 नंबर ही चाहिए। तो 5 × 4 = 20, और इधर 5 × 1 = 5, इधर
20 डिनोमिनेटर करने के लिए इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 5 से, और ऊपर भी 5 से, 5 टू जा 10 और 5 फोर जा 20। अगर आप 5 बाई 20 और 10 बाई 20 के बीच के नंबर देखें तो 6 बाई 20, 7 बाई 20, 8 बाई 20 और 9 बाई 20। अब भी एक नंबर क्या है, मिसिंग है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई ना करके आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से, 7 से, 8 से, 10 से, किसी से भी कर लीजिए, ओके। और उसके बीच में आपको 5 नंबर्स इजीली मिल जाएंगे। तो होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।